300 से अधिक मौतें, 75 शवों की नहीं हो सकी पहचान, अब 7 गांवों के कब्रिस्तानों में दफनाया जाएगा। इस खबर को पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केरल के वायनाड जिले में 2 भूस्खलन में 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, 300 से अधिक लोगों की जान चली गई, अभी तक 75 शवों की पहचान नहीं हो सकी है। अब प्रशासन ने इन शवों को 7 गांवों और 1 नगर पालिका क्षेत्र के कब्रिस्तानों में दफनाने का फैसला लिया है। आवश्यकता प्रक्रिया के बाद इन शवों को दफनाया जाएगा। 30 जुलाई को केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। अब तक इस प्राकृतिक आपदा में 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 260 लोग घायल हैं। अब तक 199 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, 75 शवों की पहचान नहीं हो सकी। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक 130 शवों के DNA नमूने भी जुटाए गए हैं। सभी अज्ञात शवों को कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। 7 गांवों और 1 नगर पालिका क्षेत्र में अज्ञात शवों को दफनाया जाएगा और इन शवों की पहचान भी नहीं है।